एज अ कैटलिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत बार देखे हैं, जैसे कि भैया हमने देखा है कि हाइड्रोजनेशन में हम यूज करते हैं निकल, पलेडियम, प्लेटिनम, उनका इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वेनेडियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, V2O5 का इस्तेमाल करते हैं। हेबर्स प्रोसेस में हम आयरन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे कैटलिस्ट यूज होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट में, डी ब्लॉक के एलिमेंट से बिलोंग करने वाले, उस फैमिली से बिलोंग करने वाले, बिकॉज उनके पास एक खास नेचर है कि भैया उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो बहुत तरह की प्रॉपर्टीज दिखा सकते हैं। तो फटाफट से इस कैटलिटिक प्रॉपर्टी को नोट डाउन कीजिए, और इसके पीछे का जो रीजन है वो मैं नीचे में लिख रहा हूँ, इसको भी आप नोट डाउन करते चलिएगा। लिखते चलिए फटाफट से। हाँ, ल्यूकास रिएजेंट में भी यूज होता है, तो बहुत जगह ऐसे ऑर्गेनिक पढ़ चुके, और ऑर्गेनिक में तो तुमको भर भर के मिले हुए ही है, तो इसका कोई दिक्कत है नहीं। रिया कह रही कि पी ब्लॉक में क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो दिखा सकते हैं या सिर्फ डी ब्लॉक? रिया, ऐसा नहीं है कि पी ब्लॉक वाले नहीं दिखा सकते, पी ब्लॉक वाले भी कैटलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन डी ब्लॉक वाले ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा क्यों होते हैं, तो उसका रीजन है दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक वाले भी हो सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन पी ब्लॉक में ऐसे कम होते हैं, डी वाले ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैटलिस्ट जैसा काम करेगा, ऐसा नहीं है। वो कैटलिस्ट जैसा काम क्यों कर रहा है, तो उसका रीजन एक बताया गया कि दैट इज कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अलग स्टेटमेंट है दोनों। अनपेयर की वजह से कैटलिस्ट कैटलिटिक प्रॉपर्टी नहीं है, कैटलिटिक प्रॉपर्टी है तो उसका एक्सप्लेनेशन है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आनंद मैं बोल रहा हूं कि कैटलिटिक प्रॉपर्टी डी ब्लॉक वाले एलिमेंट में है, तो पूछा गया कि क्यों है, तो क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, इसलिए उसमें कैटलिटिक प्रॉपर्टी की संभावना बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैटलिस्ट होगा ही होगा, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ऐसी है कि अनपेयर्ड से कैटलिस्ट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कैटलिस्ट है तो ये एक एक्सप्लेनेशन बनाया गया है कि मोस्ट प्रोबेबली उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसलिए वो कैटलिस्ट जैसा बिहेव किया। ठीक है, चलो बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये एक एक्सप्लेनेशन कैटलिटिक प्रॉपर्टी का, ध्यान दो यहाँ पे। यहाँ हो क्या रहा है कि आई माइनस आयन जब H2OH2- आयन से रिएक्ट करता है, सो ये रेडॉक्स का एक रिएक्शन, अगर आपको गलती से याद हो तो, जब उस समय आप इन रिएक्शंस को देखते थे तो आपकी तबीयत खराब हो जाया करती थी। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। सो ये आई माइनस आयन जब H2OH2- आयन से रिएक्ट करता है, सो यहाँ I2 बनता है और साथ में सल्फेट आयन बन जाता है। अब होता क्या है, सो यहाँ पे एक कैटलिस्ट जैसा काम कर रहा होता है आयरन। आयरन कैसे काम करता है, तो आयरन का जो Fe+3 आयन है, ये पहले करता क्या है कि यहाँ आई माइनस को I2 में पहले ये ऑक्सीडाइज कर देता है, और फिर ये Fe+2 जो यहाँ खुद रिड्यूस हो गया, ये क्या होता है, ये वापस H2OH2- से खुद ऑक्सीडाइज होकर Fe+3 बन जाता है, और ये भाई साहब कन्वर्ट हो जाते हैं SO4 में। तो अल्टीमेटली ये जो दो स्टेप्स है, इन दोनों स्टेप्स को आप कंबाइन कीजिएगा तो आपको दिखेगा क्या कि भैया यहां से Fe और यहां से Fe+3 गायब, यहां से Fe+2, यहां से Fe+2 गायब, तो आपका आई माइनस H2O8 के साथ मिलके I2 और SO4 दे दे रहा है, जो कि ऊपर वाला रिएक्शन है।
तो बेसिकली फंडा यही है कि यहाँ पे आयरन जो था वो आयरन क्या कर रहा था कि दो अलग अलग स्टेप में एक रिएक्ट कर रहा था, एक बार रिड्यूस और एक बार ऑक्सीडाइज, और इस वजह से वो कैटलिस्ट बन गया, जैसा आया था वैसे ही वापस निकल गया, लेकिन हमको प्रोडक्ट जो है वो कुछ अलग तरीके का मिल गया। सो इस तरीके से एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से डी ब्लॉक वाले जो है वो एज अ कैटलिस्ट वर्क कर लेते हैं, कभी रिएक्ट कर लेते हैं, कभी किसी एलिमेंट को अपने ऊपर चिपका लेते हैं। जैसे कि याद करो तो अल्किन्स के हाइड्रोजनेशन में अपने सरफेस पे हाइड्रोजन को चिपका लिया करते थे, ठीक है? तो बिल्कुल वैसी ही कहानी है कि कभी किसी को चिपका लिया, कभी किसी के साथ रिएक्ट कर गया, और इसके वजह से वहां कैटलिटिक नेचर देखने को मिलने लगती है। छापिए फटाफट से, एग्जाम्पल कर लीजिएगा और छाप लीजिएगा इसको। हाँ बिल्कुल हो सकता है आनंद, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अगर इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कैटलिस्ट नहीं होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैटलिस्ट नहीं होगा। जिंक, जिंक अनपेड इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है, कैटलिस्ट होता है ना वो। अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ है उसमें? चलिए बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? अगर आपको याद हो तो हमने ये टर्म पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट। इंटरस्टीशियल कंपाउंड क्या है? तो भैया जो बीच में जो छोटे छोटे साइड्स बचते हैं जो एटम के बीच में, उसमें अगर आके कोई चीज अटक जाती है तो हम बोलते हैं कि वो इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स बनाने लगे हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो बनाने लगे हैं, ऐसा कह सकते हो, ठीक है? और वहां पे याद करो तो वहां पे ऐसे तुमको एग्जाम्पल देखने को मिलता था Fe 0.960, इस तरह के कंपाउंड देखने को मिलते थे और कहते थे हम कि ये इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स है। बिल्कुल, तो उसी तरीके के ये Fe क्या है, डी ब्लॉक का है। तो कहता क्या है कि भैया डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स है वो इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स बनाने में बड़े एक्सपर्ट है। रीजन बिहाइंड, छोटा इनका साइज है, बिल्कुल पैक्ड भी होने के बाद यहाँ पे बीच में थोड़े थोड़े गैप रह जाते हैं, उस गैप में जो छोटे 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 जो वहां पे अदर एलिमेंट्स है वो यहाँ आके बैठ जाते हैं, उस गैप में आके सेटल हो जाते हैं, और इस वजह से इंटरस्टीशियल कंपाउंड बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे टाइटेनियम कार्बाइड, TiC, मैग्नीज नाइट्राइड, तो इस तरह के बहुत सारे इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स बन जाते हैं। अब इन इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स की खास बात यह है कि इनका स्टोसोमेट्रिक रेशियो फिक्स नहीं होता, इनका स्टोसोमेट्रिक रेशियो बदलते रहता है, डिपेंड ऑन द कंडीशन, जैसा कंडीशन वैसा स्टोसोमेट्रिक रेशियो। ये फिक्स रेशियो वाले कंपाउंड नहीं है। खासियत क्या है इन इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स की? तो देखो सबसे पहली खासियत है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो नॉर्मल वाले से, इंटरस्टीशियल जो भी ये बना रहे कंपाउंड, इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है ये नॉर्मल मेटल से ज्यादा होती है। मतलब अगर तुम टाइटेनियम का मेल्टिंग पॉइंट देखो और टाइटेनियम कार्बाइड का देखो तो टाइटेनियम कार्बाइड बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, और इसी वजह से इसका एक और भी यूज खास हो जाता है। इसको इस्तेमाल करते हैं टूल्स बनाने में, हेवी कटिंग जहां करनी होती है, बहुत बार जब कोई ऐसे मेटल को काटना होता है जो आसानी से नहीं कटने वाला, तो वहां पे इसके टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज टाइटेनियम कार्बाइड, इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट थिंग है कि बहुत हार्ड होते हैं, और कुछ बोराइड्स मतलब कुछ के बोरोन के साथ के जो इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स हैं, कुछ डी ब्लॉक के बोरोन के साथ जो इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स हैं वो इतने हार्ड होते हैं कि वो लगभग लगभग डायमंड के हार्डनेस को टच करने लगते हैं, जिसमें से वन एग्जाम्पल एक जो बेस्ट एग्जाम्पल दैट इज टाइटेनियम बोराइड खुद ही।
टाइटेनियम का बोरोन के साथ जो कंपाउंड बनता है वो इतना टफ होता है कि वो डायमंड के हार्डनेस को भी मैच करने लगता है। नेक्स्ट है कि भैया ये जो अपने पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं इसमें ऐसा नहीं है कि ये कंपाउंड बन गया तो इनका मेटालिक नेचर चला गया, जो मेटल था उसका मेटालिक नेचर चला गया। एग्जाम्पल जैसे NaCl में ना Na का मेटालिक नेचर नहीं रहता, लेकिन टाइटेनियम कार्बाइड में टाइटेनियम का मेटालिक नेचर रहता है। ठीक है, तो मेटालिक नेचर है तो कंडक्टिविटी रहेगा, हीट कंडक्टिविटी रहेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहेगा, वो सारी चीजें भी रहेंगी। और लास्ट थिंग है दे आर केमिकली इनर्ट, का मतलब है कि भैया ये मैक्सिमम वो तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो कि बहुत कम रिएक्ट करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नहीं करते हैं, कम करते हैं। सो इस वजह से हम इनको टूल्स में, इनको बहुत अलग अलग पर्पसेस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं जो इस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। फटाफट से नोट डाउन कीजिए और कोई कष्ट हो तो पूछ लीजिए। बोरोन नाइट्राइड भी होता है, बिल्कुल आदर्श, बोरोन नाइट्राइड भी होता है। छाप लिया, चलो ठीक है। नेक्स्ट, एलॉय फॉर्मेशन। भैया डी ब्लॉक वाले बहुत सारे एलॉयज भी बनाते हैं, खास करके देखो आयरन के एलॉय, क्रोमियम, वैनेडियम, टंगस्टन, मॉलिबेनम, मैग्नीज, इन सबके साथ यूज करके अलग अलग तरह के स्टील्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सो ये कभी कभी पूछ भी देता है कि भैया ये स्टील बनाने में कौन कौन से मेटल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रास है, ब्रोंज है, ये सारे तरह के अलॉयज जो है उसमें मैक्सिमम केसेज में जो मेटल्स यूज होते हैं दैट इज फ्रॉम डी ब्लॉक। तो मैक्सिमम अलॉयज जो है वो डी ब्लॉक मेटल के थ्रू ही बन पाते हैं। आयरन का जो स्टील है वो याद रखिएगा कि कौन कौन से मेटल्स उसके अलॉय में यूज किए जा सकते हैं, क्रोमियम, वैनेडियम, टंगस्टन, मॉलिबेनम, मैग्नीज, इन सबका इस्तेमाल करके एलॉय बनाए जा सकते हैं। लिख लीजिए फटाफट से। ब्रास ब्रोंज की जरूरत नहीं इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा। ब्रास ब्रोंज आपको बचपन से पढ़ाया गया, आपको याद है, नहीं याद है तो मैं एक बार बोल दे रहा हूं, अगर आपको इच्छा हो तो आप लिख लीजिएगा। ब्रास जो कॉपर और जिंक से बनता है, ब्रोंज जो कॉपर और टिन से बनता है। हाँ, गोल्ड के भी अलॉय होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ट्वेंटी टू कैरेट गोल्ड, ये भी तो क्या है, अलॉय ही तो है। रोज गोल्ड, व्हाइट गोल्ड, ये सारे अलॉय ही तो है।
व्हाइट गोल्ड, देखो व्हाइट गोल्ड मेनली यार मतलब गोल्ड एंड पैलेडियम, ठीक है, इसका यूज करते तो व्हाइट गोल्ड बनता है मेनली। एमलगम वो भी मर्क्यूरी का लॉ है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट आते हैं कि भैया जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो इन ट्रांजिशन मेटल से बनते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये जो दोनों हैं ये आपके इस साल के सिलेबस में हटा दिए गए हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये दोनों आपको इस सिलेबस में, इस साल के बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं पढ़ना। तो जो लोग बिल्कुल बोर्ड्स फोकस्ड है उनको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैसे बनाया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और इसके रिएक्शंस क्या है, जो आप यूजुअली रेडॉक्स में पढ़ा करते थे, रेडॉक्स में रिएक्शंस आया करते थे, आपको नहीं पता था कि वो रिएक्शंस कहाँ के, तो रिएक्शन मेनली यहीं से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सो कहता क्या है कि सबसे पहले आयरन का दैट इज क्रोमाइट ओर लिया जाता है, दिस इज क्रोमाइट ओर, इसको सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको फ्यूज कर दिया जाता है और यहां बन जाता है सोडियम क्रोमेट, दिस इज सोडियम क्रोमेट, साथ में Fe2O3, साथ में CO2 बाहर निकल गया। फिर इस सोडियम क्रोमेट को ना सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये H2SO4 है, H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है, दिस इज सोडियम क्रोमेट एंड दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब ये जो सोडियम डाइक्रोमेट है फिर जब इसको KCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में वहां पे हमको पोटेशियम डाइक्रोमेट देखने को मिल जाता है। तो यही आपका फॉर्मेशन है, इसी तरीके से इसका प्रिपरेशन किया जाता है कि भैया कैसे अपने पास पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्रोमाइट ओर लेते हैं, उसको सोडियम कार्बोनेट दैट इज वॉशिंग सोडा के प्रेजेंस, वॉशिंग सोडा के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको रिएक्ट कराया जाता है, सोडियम क्रोमेट बनता है, सोडियम क्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड से नहला दिया जाता है तो सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है, सोडियम डाइक्रोमेट को फिर KCl के साथ ट्रीट करते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में देखने को मिल जाता है। अब इसका देखो एक इंटर कन्वर्जन है, इसके इंटर कन्वर्जन को समझना यहाँ पे इसका इंटर कन्वर्जन, ये आपके पास जो है ये है क्रोमेट, क्रोमेट को अगर आप एसिडिक मीडियम में ट्रीट कर दीजिए तो ये बन जाएगा डाइक्रोमेट, और इसी डाइक्रोमेट को आप वापस से बेसिक मीडियम में ट्रीट कर दीजिए तो बन जाएगा क्रोमेट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रोमेट टू डाइक्रोमेट अगर आपको कहीं कन्वर्ट करने की इच्छा हो तो आप बस उसको एसिडिक बेसिक मीडियम में ट्रीट कर दीजिए, वो क्रोमेट से डाइक्रोमेट बड़े आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप सेकंड स्टेप में देखिएगा तो इसी का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे क्रोमेट था एसिड में ट्रीट कर दिया डाइक्रोमेट बन गया, इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज नहीं होता। इस रिएक्शन की खास बात यही है कि दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, ये वाली जो रिएक्शन है ये कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें किसी का भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होता। तो ये एक इंटर कन्वर्जन है बिटवीन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, ठीक है, किस तरीके से आप इंटर कन्वर्ट कीजिएगा। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे अपन बात करेंगे, और ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, आपको इच्छा करें तो आप यहां लिख सकते हैं भैया ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, 12th बोर्ड के सिलेबस से इसको हटा दिया गया है। ठीक है,
प्लैटिनम को व्हाइट गोल्ड, हाँ दिव्यांशु कहते हैं। प्लैटिनम को व्हाइट गोल्ड, उसके बाद क्रूड ऑयल को बोलते हैं, उसको भी गोल्ड बोला जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, हाँ इसका मतलब तुम ये कह सकते हो कि पूरा पूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट रिमूव्ड ही है, मेनली दिया है प्रिपरेशन बट पूरा रिमूव्ड ही है, क्योंकि उसी के अंदर में ये सारे आ जाते हैं, इसके जो रिएक्शंस है ना उसी टॉपिक के अंदर में आ जाएंगे। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट को, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट जो भी पढ़ने वाले हैं, दोनों सिलेबस से हटा दिया गया है। और इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो यही दोनों थे, बाकी सारे तो आपको पहले भी पढ़ा दिए जाते हैं या लॉजिकल है, ये दोनों ही थे जो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट थे, इन दोनों को हटा दिया है। अगर ये हटा नहीं होता तो डेफिनेटली मैं कह रहा होता आपसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिनों पहले तक तो लग रहा था कि आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन देखिए सीबीएसई ने तो ऐसा कहा है, भैया हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके बोर्ड के एग्जाम लिए जाएं। और जैसा दिल्ली और मुंबई में केसेस अब थोड़े बहुत घटने लगे हैं, तो ऐसा लग भी रहा है कि फरवरी एंड तक शायद चीजें सही हो जाएंगी आपके लिए। आपके लिए खुशी की बात है कि आपको दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। सीबीएसई सेवा लेगी भी तो ना होगा एग्जाम। रिया मैं समझा नहीं क्या बोल रही है, सीबीएसई हाँ एग्जाम तो लेगी ना, ये फाइनली है। क्लास कब से ओपन होगा? जब ओमिक्रॉन देवता का असर कम हो जाए और मिस्टर नीतीश कुमार जी को लगे कि भैया पढ़ाई भी बहुत जरूरी चीज है, तो क्लास ओपन हो जाएंगे। एक्चुअली बिहार में क्या है ना कि मतलब एडुकेशन जो है उसकी प्रायोरिटी सबसे बाद में रखी जाती है। ढाई लाख केस आया, वही बोल रहा हूँ ढाई लाख। अगर तुम आनंद पिछले कुछ टाइम में देखोगे ना, मतलब पिछले पांच छह दिन में, तो उन्होंने एवरेज में बोला 5-6 दिन क्या, इससे ज्यादा ही लगभग 7-8 दिन 9 दिन से तो यही एवरेज रह रहा है, 3 लाख के रेंज में रह रहा है। अनुष्का कह रही बहुत सारे कोचिंग छपरा में चल रहे ऑफलाइन। अनुष्का देखो क्या है कि अब गवर्नमेंट के नॉर्म्स नहीं मानने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है, तो उसका क्या ही कर सकते हैं, तो वो अलग चीजें हैं। लोकल लेवल पे लोग चला ले रहे हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग। पर अब मैं तो ये भी मानता हूँ यार कि ठीक है, अब स्कूल स्कूल जो भी हो वो अलग बात है, गवर्नमेंट का नॉर्म्स भी अलग बात है, पर एक तरीके से जब तक ये चीजें पीक में चल रही है, जब तक ये खतरा है, तब तक तो थोड़े कंट्रोल करना भी जरूरी है विद प्रिकॉशन। अगर ऐसा होता है, ये कहते हैं कि प्रिकॉशन के साथ चलाइए तो ज्यादा बेटर होता, पर ठीक है क्या कर सकते। चलने को तो मतलब पिछले साल भी लॉकडाउन जब हुआ तो उस समय भी चल रहा, तो क्या कर सकते उसके लिए। क्लास ऑफ रहेगा और एग्जाम लिया जाएगा, अब हाँ क्लास कह सकते हो, सबसे पहली प्रायोरिटी है, तभी तो बिहार बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं। अनंत बिहार बोर्ड के एग्जाम इसलिए हो रहे हैं ना क्योंकि अगर वो उन्होंने एग्जाम नहीं लिया
और पता चला कि बिना एग्जाम लिए अगर मार्किंग करनी पड़ी तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि मार्किंग करे कैसे। वो ऐसा सिस्टम डेवलप करने में ना उनकी हालत खराब हो जाएगी, तो इस वजह से वो चाहते हैं ना एग्जाम लेके टेंशन फ्री हो लो। ठीक है, उनका ये नहीं है कि एग्जाम इसलिए लेना है कि भैया हमारे लिए एजुकेशन प्रायोरिटी, नहीं, उनको एग्जाम इसलिए लेना है क्योंकि उनकी काम चोरी है, कि भैया पता है कि कल को इश्यू हो गया तो हैंडल कैसे करेंगे, उसे हैंडल ही नहीं होगा, क्या करेंगे बेचारे। ऑफलाइन में फाइन भी लग रहा है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन एग्जाम है तो ऑनलाइन पढ़ाई है तो एग्जाम भी ऑनलाइन होना चाहिए। इसके तुम कैंपेन चलाओ आनंद, ठीक है, ट्विटर पे कैंपेन चलाओ। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, बचपन में आपने केमिकल बॉन्डिंग में इनको बहुत पढ़ा है। क्रोमेटाइन का ये स्ट्रक्चर है, ये डाइक्रोमेटाइन का स्ट्रक्चर है, बना लीजिए। ठीक है, कोई नया तो है नहीं, और ये कुछ जनरल रिएक्शंस हैं। अगर आपने डाइक्रोमेट के साथ आयोडीन को रिएक्ट किया तो I2 बन जाएगा, SN+2 SN+4 में जाएगा, Fe+2 Fe+3 में जाएगा, बहुत बार देख चुके हैं, H2S जो है वो S में चला जाएगा। तो ये सारे कुछ जनरल रिएक्शंस हैं जो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की वजह से देखने को मिलता है, जो हमें अक्सर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो फटाफट से ये स्ट्रक्चर बनाइए और दोनों को लिख लीजिए। रिया कह रही है इससे पहले डाइक्रोमेट क्यों नहीं लिखा। रिया, इससे पहले डाइक्रोमेट की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमको तो पता है कि डाइक्रोमेट से ही रिएक्शन देख रहे हैं। दिव्यांशु कह रहा है प्रीवियस रिकॉर्ड बिहार बोर्ड के पास होता नहीं। हाँ सही बात है, और एक और भी चीज हो सकती है यार, मान लो एग्जाम नहीं होगा तो फिर। हाँ, टर्म वन के लिए भी कुछ पिटीशन गए थे सुप्रीम कोर्ट को। यार देखो क्या है ना आरिज, कि मतलब पिटीशन तो इस बात के लिए भी मेरे को लगता है कि जाने चाहिए कि भैया एग्जाम इंडिया से ना एग्जाम नाम का शब्द ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन अब ये ऐसे पिटीशन तो पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट करना। नहीं, एग्जाम होना ही नहीं चाहिए। कुछ बेवकूफ डाल भी देंगे, सारे टॉप कर लेंगे। सही बात है, रिजल्ट कब आएगा? आ ही जाएगा रिजल्ट। रिजल्ट का क्या, रिजल्ट तो तुमको पता ही है। अब बात यह है कि दूसरा टर्म होगा तो साथ आएगा रिजल्ट, नहीं होगा तो पहले वाले को मल्टीप्लाई बाई 2 करके रिजल्ट दे देंगे, और क्या। चलो छापो फटाफट से, ऑक्सफोर्ड की तरह 0 ईयर कर देना चाहिए। सही बात है, इंडिया में 0 ईयर भी हो जाएगा, 0 मार्क्स भी हो जाएगा, क्या ही दिक्कत। क्या कह रहा है निमेश? चलो छापो फटाफट से। छाप लिए, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं अपन पोटेशियम पर मैग्नेट पे। भैया ये भी सिलेबस से हटा दिया आपका। पोटेशियम पर मैग्नेट होता क्या है, KMnO4 बनाते कैसे है? तो देखो लेबोरेटरी में ऐसे बनाते हैं, ये लैब में बनाने का तरीका है। MnO2 लेते हैं, KOH के साथ O2 में रिएक्ट करा देते हैं तो K2MnO4 बन जाता है। फिर इसको ये MnO4 जो है MnO4 2-, देखो K2MnO4 का मतलब क्या हुआ, MnO4 2-, इस MnO4 2- को फिर एसिड के साथ ट्रीट कर देते हैं तो ये बन जाता है MnO4-। दिस आयन इज नोन एज मैग्नेट आयन।
दिस आई नोन एज पर मैग्नेट आयन. ठीक है, तो पहले MnO2 को KO2 से रिएक्ट कराया, पहले बनाया यहां पे पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट को फिर एसिडिक मीडियम में ट्रीट कर दिया, ये बन गया पोटेशियम पर मैग्नेट और साथ में हो गया MnO2. तुम ध्यान दोगे तो ये जो दूसरा वाला रिएक्शन है, दिस इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ये वाला जो सेकेंड रिएक्शन है, दिस इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन. यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन भी हुआ है और ये रिडक्शन भी हुआ है. तो ये ध्यान रखिएगा कि लैब में बनाते वक्त इसका क्या किया जाता है, डिसप्रोपोर्शनेशन किया जाता है. और इंडस्ट्रियली कैसे बनता है, तो ये नीचे आपको दिया हुआ है. MnO2 को फ्यूज्ड KOH के साथ ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो ये बन जाता है MnO4 2 माइनस. ये सेम रिएक्शन है और फिर MnO4 2 माइनस को इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो बन जाता है परमैग्नेट आयन. ठीक है, तो ये आयन जो है इसमें ऑब्वियस है कि पोटेशियम लगा हुआ है, तो इसलिए पोटेशियम लगा के लिखने की जरूरत नहीं है. छापिए फटाफट से. चलो बढ़िया. छापो 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 भाई छापो. नेक्स्ट क्लास एक क्लास और बचेगा, एक क्लास में ये एफ ब्लॉक खत्म हो जाएगा, उसके साथ ये चैप्टर भी द एंड हो जाएगा. इसके कुछ रिएक्शन देख लेंगे, उसके साथ आज की सभा हम समाप्त कर देंगे. बस एक क्लास और भी लगेगा एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक की जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको देख लेंगे, बाकी ये चैप्टर द एंड हो जाएगा. हाँ, लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स भी हट गया है. बिल्कुल बिल्कुल आनंद, एफ ब्लॉक भी हट गया है. लैंथेनाइड एक्टिनाइड दैट इज एफ ब्लॉक, वो हट गया है. एफ ब्लॉक नहीं पढ़ेंगे. नहीं रिया, पढ़ लेंगे, इसको भी तो हटा दिया, फिर भी तो पढ़ ही रहे ना. तो पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेंगे, कौन सा जल्दी है अपने को, सिलेबस अपना खत्म ही है. बोर्ड्स का सिलेबस खत्म हो चुका है तुम्हारा, तो मोटे तौर पे ये मान लो कि केमिस्ट्री का बोर्ड्स का सिलेबस द एंड हो चुका है तुम्हारा. बोर्ड्स के सिलेबस के हिसाब से कुछ भी नहीं बचा हुआ है. चलो ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस देखते हैं.
सो भैया ये देखो Mn प्लस टू जो है ये H2OA टू माइनस के साथ जब रिएक्ट करता तो ये बन जाता बस पर मैग्नेट आयन, ठीक है। KMnO4 का यहाँ पे क्या है, तो भैया दिस इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन, ठीक है, ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, दिस इज डिसप्रोपोर्शनेशन जो ऊपर में रिएक्शन लिखा हुआ था, ठीक है। और ये H2O8 के साथ Mn2 कैसे रिएक्ट करता है ये भी रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर में होता है परोक्सी बॉन्ड, ठीक है, परोक्सी बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, H2O8 का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, ठीक है। सो ये कुछ रिएक्शंस के एग्जांपल हैं जो आप देख सकते हैं यहां से। बाकी ये जो नीचे में रिएक्शंस दिए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया ये ऑक्सलेट बनाता है CO2, अगर रेडॉक्स याद हो आपको तो Fe+2 क्या बन जाता है Fe+3, NO2- क्या बन जाता है दैट इज नाइट्राइड, ये बन जाता है नाइट्रेट, I- क्या बन जाता है I2, और भी बहुत सारे रिएक्शंस है पोटेशियम पर मैग्नेट के, लेकिन पहले इनको लिखिए फिर और सारे रिएक्शंस लिखेंगे, वो सारे रिएक्शंस जो आप खास करके रेडॉक्स में देखा करते थे, छापते रहिए सारे रिएक्शंस। मेटलर्जी बाकी है, कौन बोल रहा है मेटलर्जी बाकी है, अनुष्का मेटलर्जी बाकी है, अरे चल ठीक है, ये अलग बात है कि हमको ये नहीं पता कि उसमें पढ़ना क्या है, लेकिन कम से कम ये तो पता रखो कि हाँ हुआ है कि नहीं हुआ है, डिस्कशन बाकी है उसका, हाँ ठीक है वो मैं मान सकता हूँ। बिल्कुल होगा आदर्श, ठीक है आनंद, अपन देखेंगे यार, पहले काइनेटिक्स एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, पहले काइनेटिक्स का रिवीजन होगा, उसके बाद ही और किसी का रिवीजन होगा, अभी तो अगर देखते हैं पॉसिबल हुआ तो ये जो जो एक दो तुच्छे तुच्छे जो चैप्टर्स हैं उनको भी पढ़ ही लेंगे। हाँ बिल्कुल, एस ब्लॉक पी ब्लॉक मुझे याद है पढ़ाना है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक का आधा हाइड्रोजन ये पढ़ा दूंगा मैं अभी, संडे और सैटरडे को वन शॉट ऑफलाइन, ही ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं है ना जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती। हाँ बिल्कुल वैष्णवी, पॉलीमर्स भी, बायोमोलिक्यूल्स हो गया था, पॉलीमर बाकी था, ठीक है, पॉलीमर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक, इसके जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सारे पढ़ा दूंगा, लिखने ही है मेरे लिए इसमें। पॉलीमर्स के क्वेश्चन AIATS में आए थे बिना पढ़ाया, तो ठीक है ना, क्या ही है, थोड़े बहुत तो आने चाहिए, सब तुमको आता रहेगा ऐसा थोड़ी है, कुछ ऐसे भी तो हो जो तुमको छोड़ने होते हैं। गवर्नमेंट को कौन सीरियसली लेता है, यार गवर्नमेंट को सीरियस नहीं लेंगे ना तो हम सीरियस हो जाएंगे हॉस्पिटल में, पिछले बार नहीं लेके देखा है मैंने, ठीक है। वीक में एक दिन तो ऑफलाइन रैप्स रख ही सकते हैं, सही बात है, एक दिन चोरी कर लेने से क्या ही होता है ना। चलो ठीक है, मार्केट तो खैर बंद नहीं यार, मार्केट तो मेरे को लगता है और ज्यादा तेज चल रहा है, दिन में तो हर जगह जाम ही लगा रहता है, और ऊपर से बच्चों की छुट्टी कर दी है स्कूल के तो बच्चे भी घूमते रहते हैं, तो और मार्केट में जाम बढ़ गया। चलिए ठीक है, तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट के कुछ आपके मासूम से एग्जाम्पल्स है, ये बहुत सारे रिएक्शन है जो आप कभी रेडॉक्स में कभी किसी चैप्टर में कभी किसी चैप्टर में देखा करते थे। तो एसिडिक मीडियम में कौन कौन से चीजें किस में कन्वर्ट होती है, फिर उसके बाद न्यूट्रल और थोड़े से बेसिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट होती है, तो इन सारे रिएक्शंस को लिखते चलिए फटाफट से।
आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, इनके जो सब्जेक्टिव वाली चीजें ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे रिएक्शंस लिखो, इन सबके सीधे रिएक्शन लिख लो, ठीक है, इन सबके सीधे रिएक्शंस लिख लो। बस एक कष्ट ये करना कि ये कलर वाली चीज लिख लेना, जैसे इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, इसका कलर जो होता है ये येलो होता है, सो ये कलर वाली चीज लिख लो और बाकी मेन रिएक्शंस लिखो, और सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, कलर बस इंक्लूड कर लेना, और एक ही जगह कलर है टू वाले में और कहीं कलर है नहीं। वैक्सीनेटेड नहीं था, वैक्सीनेटेड है, मेरे को लगता नहीं है कि वैक्सीन से कोई फर्क पड़ता है, ऐसा मेरे को लगता है ना, गवर्नमेंट ना साइकोलॉजिकल हम लोग के साथ खेल गई है कि देखो भाई वैक्सीन दे दिया मतलब तुम स्ट्रांग हो गए हो, मन से मान लो तुम। अरे नहीं ओजस्वी, मेरे लिए ज्यादा आराम है, ऑफलाइन में हमेशा कम टेंशन होता है, ऑनलाइन ज्यादा टेंशन वाली चीज है। चलो छापो छापो छापो। वैक्सीन का कोई असर भी नहीं हुआ, पानी डाल के दे दिया, क्या पता यार क्या ही किया इन लोगों ने। बहुत अच्छा आनंद, वेरी गुड, क्या चलाएगा तू, चलो छापो जल्दी छापो, ये लास्ट है इसको छाप लो, उसके साथ आज की सभा समाप्त कर देंगे। अरे ओके अनुष्का, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, छापे सबने। इसके बाद छुट्टी है, चलो ठीक है, छाप लिया सबने, चलो ठीक है, तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं ब्लॉक के साथ, और इस ब्लॉक के साथ इस चैप्टर को भी द एंड कर देंगे और क्लास 12th के सिलेबस को अलविदा कह देंगे, ठीक है, चलिए ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं और फिर उसकी आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं, बाय बाय।